हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कोकोनट। कोकोनट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और उसकी हेल्प से मेरे स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हुआ है, मेरा हेयर फॉल बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रोल हुआ है, मेरा हेयर जो है वो न्यू भी आया है। कोकोनट वाटर, कोकोनट की मलाई, कोकोनट की स्मूदीज, कोकोनट के सैलेड्स, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला है। मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको हेल्प मिला है। एंड पॉइंट इज़ कि जब उनको इतना अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, सो आपको भी लेना चाहिए वो ना। और वो किस किस फॉर्म में लेना चाहिए, मैंने कोकोनट के रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स पर बहुत बारी बात करी है। सो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से रिलेटेड दो कोकोनट स्मूदीज़ की रेसिपीज़, जिसकी हेल्प से ना कभी कभार हमारी ऐसी फीलिंग आती है कि हमें कुछ नहीं खाना, ना तो हमें ब्रेकफास्ट करने का मन है, ना लंच करने का मन है, ना ही हमें कुछ सूप पीने का मन है, कुछ भी नहीं पीना, ना कुछ खाना है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट ही स्किप हो जाता है भागा दौड़ी में, बहुत सारे लोगों का होता है। सो क्या करना है, हमें ये स्मूदी बना के पीना है। ये इतनी सिंपल रेसिपी है, आपके घर पे बहुत ही अगर आपके पास ब्लेंडर है, हार्डली 5 मिनट में बन जाएगी और बहुत ही फिलिंग है। और इसकी जो हमारे बेनिफिट्स हैं इससे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कोकोनट से रिलेटेड। सो आज हम बात करते हैं कोकोनट स्मूदीज़ की रेसिपीज़ की और वो बननी कैसे हैं, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो सबसे पहली स्मूदी हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट एंड एप्पल स्मूदी। उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे कोकोनट, नारियल, और ये नारियल गरी वाला नारियल है जो कि पूजा में हम यूज़ करते हैं, लाइक दिस, ये वाला नारियल ना जो हमने तोड़ा है, पानी निकला है इसमें से। अब इसके अंदर हम डालेंगे नारियल एज़ पर योर टेस्ट। आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए, पतली चाहिए, मुझे गाढ़ी अच्छी लगती है स्मूदी, सो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नारियल डाला है। नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डालूँगी एप्पल। सो यहाँ पे मेरे पास है एप्पल एंड इसको अब हम कट करेंगे वॉश करने के बाद बहुत ही अच्छे से, जितने सीड्स हैं निकालेंगे। वन जो मेरा एप्पल छोटा है इसलिए मैं 1 फुल एप्पल डाल रही हूँ। अगर आपका पास एप्पल बड़ा है तो आप आधा एप्पल डालिएगा। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी स्मूदी है, फिलिंग है। और ट्रस्ट मी, अगर जिस दिन आपका मन करेगा कि भैया नहीं मुझे कुछ नहीं खाना और कुछ भी सिंपल सा दे दो, मुझे टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, फिलिंग भी हो और वेट भी ना बढ़ाए, तो ये वो रेसिपी है। डल गए जी हमारे एप्पल। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से ओट्स, 1 चम्मच जितना मेरा ओट्स। ये रहा पानी, 1 गिलास, और अब हम इस सब को ब्लेंड करेंगे खूब अच्छे से। ओके जी, सो ये रहा हमारा यम्मी फिलिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर का, ये स्मूदी ना मैंने ट्राई किया था दुबई में एक स्मूदी आउटलेट पे। सो मुझे वहाँ से आइडिया मिला था कि ये कितनी यमी है। सो इसको मैंने लिया था ब्रेकफास्ट में और ये बहुत ही मेरे को यमी लगी थी, तो तभी मैंने इसका रेसिपी उनसे भी पूछा था। सो यस, ओके जी, सो नेक्स्ट स्मूदी यहाँ पर हमारे पास है ओट्स एंड कोकोनट स्मूदी। ये डाला मैंने कोकोनट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डालूंगी मेरा 1 चम्मच जितना ओट्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा हनी, ये बहुत ही हल्की स्मूदी है, 1 चम्मच जितना हनी, 5 से 6 काजू, और मुझे चाहिए 1 गिलास जितना पानी। दैट्स इट, इसको हम करेंगे ब्लेंड। वेलकम बैक जी। जब भी आपको लगे आप लॉस ऑफ एनर्जी हो, आपको बिल्कुल लेथार्जिक से फील हो रहा है, आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप ये कोकोनट स्मूदी ले सकते हैं। जब भी आपको लग रहा है कि नहीं जी मुझे प्री वर्कआउट कुछ चाहिए या पोस्ट वर्कआउट कुछ चाहिए, तब भी आप कोकोनट स्मूदी ले सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो ये स्मूदी है इसमें आप कुछ भी मीठा एक्स्ट्रा मत डालना अपनी श्रद्धा अनुसार। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं ये, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे शेयर कीजिएगा कि आपका कैसा रहा टेस्ट। So yeah, that's all about this video guys. I'll see you soon in my next upcoming video. So yeah, see you soon. So take care, ji. Bye bye.